देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कोई एक ऐसा स्टेट बता दीजिए जिसके अंदर किसी परिवार के किसी सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव ना लड़वाया हो, या अगर उनकी सरकार है तो उसको मंत्री ना बनाया हो। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बैट पकड़ नहीं पा रहा हूँ और क्रिकेट बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया हूँ। ये आपका लोकसभा में पहला इलेक्शन है, आप बदायूं से खड़े हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस इस वक्त कैसा है? बदायूं लोकसभा से जहाँ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुत पुराना हम लोगों का जुड़ाव रहा है यहाँ से। किसी जमाने में किसी समय पे नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े थे, और उसके बाद प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी भी यहाँ रहे, फिर भाई धर्मेंद्र यादव यहाँ से सांसद हुए। तो लगातार हमारे पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने यहाँ पे नेतृत्व किया है, और इस बार जो कि ये मौका मुझे मिल रहा है, तो पहले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस धरती से, ऐतिहासिक धरती से जहाँ से कभी नेताजी और सब चुनाव लड़े, वहाँ से आज मुझे मौका मिल रहा है। जहाँ तक कॉन्फिडेंस लेवल की बात है, तो जो विश्वास जनता से मिल रहा है उसी को अपनी सब कुछ बनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे पूरा भरोसा भी है कि समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से इस बार बदायूं के अंदर जीत मिलेगी, क्योंकि सभी समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मोस्टली समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है यादव एंड मुस्लिम उनका कोर वोटर है, वो है, लेकिन उसके अलावा अन्य समाज जैसे क्षत्रिय समाज है, ठाकुर समाज के जो लोग हैं, कुर्मी समाज है, ये सब वो लोग हैं जो मुझे बड़े तादाद से सपोर्ट कर रहे हैं और जिताने का काम भी इस बार करने जा रहे हैं। जी, तो इस बार आपके कौन से यहाँ बदायूं के इश्यूज हैं जो आप एड्रेस करेंगे अगर आप एमपी बन गए तो? देखिए, बदायूं के अंदर जब से हम आए हैं, कई सारे इश्यूज जो मुझे जनता से मिल रहे हैं। दूसरी चीज, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ तो मैं अपनी कहने से ज्यादा उनकी सुन रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हम अपना कह के आगे बढ़ जाते हैं, वो चीज़ इतनी कारगर नहीं होती है। तो मैं बैठता हूँ, सुनता हूँ, तो जो सुनने में आता है सारी बातें, उसमें एक सबसे बड़ा इशू है, बदायूं के अंदर कई सारे लोग हैं जो इस समय पे दिल्ली में काम करते हैं, या दिल्ली के थ्रू नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर में काम करते हैं। उन सबको अगर वहाँ पे जाना होता है या वहाँ से आना होता है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बसेज उनके लिए एक सहारा है, डायरेक्ट ट्रेन कोई नहीं है, बरेली जाए, बरेली से आए। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि बदायूं रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चले जो दिल्ली जा सके, और इन लोगों को जो काम करते हैं उनको सहूलियत मिले। जहाँ 400-500 रुपये की टिकट प्राइवेट बसेज की लेके एक एक दिन में 150 से 200 बसेज चल रही हो, वहाँ अगर एक ट्रेन होगी तो एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। दूसरा, जो यहाँ मेडिकल कॉलेज बदायूं का है, जो किसी समय पे समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, आज उसकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ की बहुत कमी है, मशीन्स जो लगी हुई हैं वो सही से चल नहीं रही हैं, इलाज हो नहीं पा रहा है। तो बेसिकली वहाँ का ऑब्जेक्टिव मोटिव ये था कि बड़ी जो बीमारियाँ हैं उनका इलाज आराम से मिल सके पेशेंट को, लेकिन आज दुर्भाग्य यह है बदायूं का कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद आज भी पेशेंट वहाँ जाता है और सिर्फ रिफर होता है। वहाँ से अगर लेटर निकलता है तो सिर्फ रिफरिंग का लेटर निकलता है और रिफर होके केस बदल जाता है। थैंक यू। अगर आप एमपी बने तो आप करंट एमपी जो बीजेपी के संगम मित्रा मौर्य हैं उनसे क्या डिफरेंट करेंगे? देखिए, अगर मैं एमपी बनता हूँ तो सबसे पहले तो विकास, कोशिश मेरी रहेगी कि काम करना लोगों के बीच रहकर और विकास करना। उसके साथ साथ जो संगमित्रा मौर्य जी ने नहीं कर पाया था वो था जनता से कनेक्शन बनाना। तो देखिए, हर किसी का आप काम नहीं कर सकते, चाहे आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जरूरी नहीं है कि हर किसी को आप सेटिस्फाई करके काम करके उनको वापस भेजें, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे मिल सकते हैं, आप उनको संतुष्ट कर सकते हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर व्यक्ति को जो भी हमारे पास आए या हम तक पहुँचे उनको हम संतुष्ट कर सकें। उनकी मदद करना ना करना वो आगे की बात है, वो जितनी ताकत हमको मिलेगी उस हिसाब से काम करेंगे, लेकिन संतुष्ट करना मेरी प्राथमिकता होगी। बीजेपी ने एसपी पे काफी एलिगेशंस लगाए हैं कि ये सब परिवारवाद हो रहा है यहाँ पे, तो उस पे आपको कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी समय समय पे जब मुद्दे नहीं दिखते हैं तो परिवारवाद के ऊपर बात करती है, और समाजवादी पार्टी में खास करके हम लोग के परिवार को कई बार भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट भी किया है। मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है, देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कोई एक ऐसा स्टेट बता दीजिए जिसके अंदर किसी परिवार के किसी सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव ना लड़वाया हो,
या अगर उनकी सरकार है तो उसको मंत्री होना है। दूसरी चीज, हम लोग आज चुनाव में हैं, इस चुनाव में जब हम हैं सो हम जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। अगर मुझको राज्यसभा में भेजा जाता नॉमिनेट करके या मुझे MLC बनाया जाता तो मैं परिवारवाद के उस टर्मोलॉजी में आ सकता था, लेकिन मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता से वोट मुझको मिल रहा है। अगर जनता जिताती है तो मैं बनूंगा नेता और उनका नेतृत्व कर पाऊंगा, नहीं जिताएगी तो उनका जो भी उनका फाइनल आंसर होगा वो मेरे शर्माते हैं, उसको सम्मान किया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर अगर जनाधार आपको मिल रहा है तो क्यों नहीं आप जनता की सेवा करेंगे। और अंत में मैं यही कहूंगा कि देखिए, ना ही मुझे MLC बनाया, ना ही मुझे राज्यसभा भेजा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बैट पकड़ नहीं पा रहा हूँ और क्रिकेट BCCI का चेयरमैन बन गया हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि परिवारवाद सिर्फ हम पे क्यों आता है, परिवारवाद और भी लोगों पे आ सकते हैं ये सवाल, लेकिन हम उस पे इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि जिस जो व्यक्ति डिजर्विंग होगा वो आगे आना चाहिए। और कौन से परिवार में कौन सा पिता ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे या उनकी आने वाली पीढ़ी कामयाब ना हो। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कामयाब होने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है, तो अगर जनता हमको जिता रही है तो ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लास्ट टाइम यहाँ से SP कैंडिडेट नहीं जीते थे, जबकि ये एक SP स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है बदायूं, तो व्हाट वेंट रॉन्ग इन 2019? देखिए, 2019 में कई सारी चीजें थी। एक तो बसपा से हमारा गठबंधन था, और बसपा से जब गठबंधन हुआ था उसके बाद जो वोटर था हमारा उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था कि जब दोनों पार्टीज मिल गई तो बहुत बड़ी प्रचंड जीत होने जा रही है। एक तो वो बहुत बड़ी वजह थी। दूसरा एक सवालिया ये बात जरूर आती है कि गुन्नौर के अंदर जब स्ट्रॉन्ग रूम में मशीन रखी गई थी तो बिना प्रत्याशी, जो कि धर्मेंद्र यादव उस समय प्रत्याशी थे, उनसे पूछा नहीं गया, और वहां पे ये कहा गया कि एक कोई चिड़िया घुस गई, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रूम का लॉक तोड़ के DM ने खुलवा दिया। अब जब वहां पे काउंटिंग हुई, परिणाम आया, तो जो काउंटिंग में फिजिकली नंबर्स आए वो डिफर कर रहे थे जो नंबर्स ऑनलाइन दिए गए थे, जो मशीन में आ रहे थे उससे। तो इससे सवालिया ये खड़ा होता है कि 8,000 वोट कहाँ गया, वो जो या तो कम होना चाहिए या तो बढ़ती होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम उसको भी एक तरीके से देखते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहली चीज में कहा कि गठबंधन की वजह से हमारे वोटर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में थे, जिसकी वजह से हम लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी चीज, कई ऐसे घटक थे हमारे, कई ऐसे हमारे साथी थे जो 19 में थोड़ा अलग हो गए थे हमसे, पार्टी से, और पार्टी से अलग होने का थोड़ा नुकसान उनसे भी हुआ। तो आपने कहा कि लास्ट टाइम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था बिकॉज BSP और SP की अलायंस थी, इस बार कांग्रेस और SP की है, तो इस टाइम कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इस बार कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि इस बार हम लोग एहतियातन बहुत ज्यादा, पिछली बार की गलती से ही व्यक्ति सीखता है, तो पिछली बार की जो हमारी गलतियां थी उसको हमने सीखा है, और हमने प्रयास यही किया है कि आखिरी दिन तक 7 तारीख जब तक मशीन अंदर ना चली जाए और साथ ही साथ वोट साड़े ना पड़ जाए, कोशिश हमारी है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर हमारा बाहर निकल के आए। और प्रयास हम लोग हर जगह जहां भी मीटिंग में जा रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि वोट देना आपका अधिकार है, और एक एक वोट बाहर निकल के आए और वोट करने जाए, पोलिंग बूथ तक पहुंचे, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, सबको अपने अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल करना है।